अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आपने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि एवरग्रीन के कंटेनर शिप ने स्विस कैनाल ब्लॉक कर दी है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जनाब एवरग्रीन का ये शिप ड्रिफ्ट हो गया बिकॉज देयर वर स्ट्रॉन्ग विंड्स, और ड्रिफ्ट होने की वजह से इसका अगला हिस्सा कैनाल की एक साइड पे और पिछला हिस्सा कैनाल के दूसरी साइड पे रेस्ट कर रहा है। व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट इम्प्लिकेशन इट कैन हैव एंड व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग? इससे पहले भी क्या ऐसा हो चुका है और क्या आइंदा भी ऐसा हो सकेगा? स्विस कैनाल बेसिकली एक ऐसी नहर है जिसको इंसान ने खोद कर बनाया और मकसद बिल्कुल आसान और सादा सा था, दो पोर्ट्स के दरमियान में, दो जगहों के दरमियान में फासले को कम से कम करना। ये नहर सदियों से ऐसा ही करती आई है, एक ऐसा जरिया फराहम करती आई है जहाज़ों को कि जिसमें वो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी और रेड सी से मेडिटेरेनियन सी आसानी से आ जा सकते थे। स्विस कैनाल की लंबाई पर अगर हम गौर करें तो ये तकरीबन 190 किलोमीटर के आसपास बनती है, लेकिन स्विस कैनाल की चौड़ाई हर जगह पर एक जैसी नहीं है। मेरे ख्याल में जहां पे कम से कम चौड़ाई हमें नजर आती है, दैट इज अराउंड 230 टू 240 मीटर्स गिव और टेक। जहां पे नहर बहरी जहाजों को एक आसान रास्ता मुहैया करती है मेडी से रेड सी और रेड सी से मेडी सी जाने का, वहीं पर इस स्विस कैनाल में ट्रांजिट करने के, स्विस कैनाल में चलने के अपने चैलेंजेस हैं। देयर आर मेनी मेनी वेरिएबल्स दैट कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम। फोर्स ऑफ नेचर एक ऐसी फोर्स होती है जिसको ख्याल में कोई भी इंसान उसके खिलाफ सेफ गार्ड नहीं कर सकता, और फोर्स ऑफ नेचर की वजह से जहाजों के ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि मेरे ख्याल में आम हालात में शायद वो कभी भी ना हो। एवरग्रीन लाइन का ये जहाज जो है तकरीबन 400 मीटर के आसपास लंबा था, अप्रॉक्सीमेटली गिव और टेक समथिंग लाइक दैट, और स्विस कैनाल की यहाँ पे चौड़ाई जहाँ पे ये ग्राउंड हुआ है इट इज अराउंड 230 टू 250 मीटर्स। अब इस केस में जहाँ पे एवरग्रीन लाइन का ये जहाज ग्राउंड हुआ है वहां पर ब्लेम किया जाता है विंड को, वहां पे ब्लेम किया जाता है गस्ट को, और वहां पे ब्लेम किया जाता है शमाल को। नाउ व्हाट इज शमाल? शमाल सिर्फ और सिर्फ मिस्र में नहीं होती, मैंने इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी देखा है, मैंने इसको सऊदी अरब में भी देखा है। शमाल बेसिकली एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड होती है जिसको कि अगर हम पाकिस्तान या भारत के हिसाब से कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार रेत का तूफान। और एक वक्त तक जमाना ऐसा था कि हमें शमाल के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता था जब तक कि वो हमारे सर पे नहीं आ पहुंचती थी। जो लोग उर्दू समझते हैं उनको पता होगा शमाल मीन्स नॉर्थ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ से आ रही होती है। तो शमाल जब चलती है तो इट कैन गो अप टू 60 नॉट्स। 60 नॉट्स का मतलब है कि 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो ये जहाज के लिए, बहरी जहाज के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, खासतौर पर अगर आपका बहरी जहाज ऐसे नैरो एरिया में हो कि जहाँ पे अगर वो अपने कोर्स से डाइवर्ट हो तो वो जमीन पे चढ़ जाए। वजह उसकी ये है कि जहाज का एक एरिया होता है जिसको कहते हैं विंडेज एरिया। विंडेज एरिया का मतलब ये है कि जहाज का उतना हिस्सा जिस पर हवा असरअंदाज हो सके। आपने पुराने जमाने की कम से कम फिल्में तो देखी होंगी, उनमें आपने बहरी जहाजों के बादबान देखे होंगे, सेल्स बड़े बड़े जिनको लगा के जहाज सेल करते थे। जहाज का वो विंडेज एरिया, जो जहाज का बड़ा सा एरिया जिसपे आके हवा लग रही है, इट एक्ट्स एज अ सेल। आपने हवा चलती देखी है, हवा में चलते हुए आपने दरख्तों को झूमते हुए देखा है। ये हवा जब चल रही होती है और जहाज के जब एक विंडेज एरिया के ऊपर पड़ रही होती है और वो भी 110-111 नॉट के आसपास, तो ये जहाज को अगेन ड्रिफ्ट करती है एक डायरेक्शन में, ड्रैग करती है एक डायरेक्शन में। और ये ड्रैग समटाइम्स इट्स नॉट सो गुड, लाइक इन दिस केस। ओपन सी में आपके पास मार्जिन होता है। मार्जिन आपके पास कैसे होता है कि आप जहाज की हेडिंग चेंज करके और सेट लगा सकते हैं। व्हाट इज सेट? सेट इज बेसिकली कि अगर आपके जहाज के इस एरिया पे विंड पड़ रही है और आपका जहाज इस तरह से ड्रैग हो रहा है साइड पे, तो आप अपने जहाज को हल्का सा पोर्ट साइड की जानिब करके और अपने जहाज को टेढ़ा चला सकते हैं। जहाज की हेडिंग टेढ़ी रहेगी लेकिन जहाज सीधा चलता हुआ जाएगा। कैनाल में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता, एंड एज वी कैन सी फ्रॉम दिस फोटो कि बेसिकली हुआ क्या हुआ है कि जहाज टेढ़ा चढ़ा हुआ है। जहाज का अगला हिस्सा कैनाल के बैंक के एक साइड पे है और जहाज का पिछला हिस्सा कैनाल के दूसरी साइड के बैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब इस केस में इतने बड़े जहाज को निकालना आसान काम नहीं है। अगर आपने मेरी पिछले साल की ग्राउंडिंग वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको दिखाया था एक जहाज जो कि खुश्की पर चढ़ गया था और टूट गया था। बाय द वे, अपनी स्विस कैनाल की दोनों की दोनों वीडियोस और ये जो जहाज खुश्की पर चढ़ा था, अगर ये तीनों की तीनों वीडियोस आपने ना देखी हो तो मैं यहीं कहीं पे कार्ड्स में भी बार बार पोस्ट कर दूंगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को देखने के लिए आसानी हो। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बेसिकली उस जहाज को दोबारा फ्लोट करने के लिए क्या किया जा रहा था, उस जहाज के ऊपर से कार्गो उतारा जा रहा था। आप ये पूछ सकते हैं कि यार इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अब जबकि जहाज एक्चुअल में टूटा भी नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है, तो अगर हम जहाज के ऊपर से कार्गो उतार लें तो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन प्रॉब्लम इज लॉजिस्टिक्स, क्योंकि बेसिकली जहाज जहाँ पे ये ग्राउंड हुआ है,
उसके नॉर्थ में भी एक लंबी स्विस कैनाल का चैनल है और उसके साउथ में भी एक लंबा स्विस कैनाल का चैनल है। और स्विस कैनाल के ये जो नॉर्थ और साउथ के चैनल हैं, इनमें ऑलरेडी वो जहाज खड़े हुए हैं जिन्होंने उस दिन स्विस कैनाल में से गुजरना था, लेकिन चूंकि ये जहाज ग्राउंड हो गया, इसके ग्राउंड होने की वजह से स्विस कैनाल बंद हो गई, तो वो जहाज तो गुजर नहीं पाए, एक तो रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आप कोई भी बार्ज हायर करें या कोई भी ऐसी चीज़ हायर करें जिस पर कार्गो उतारा जा सके, तो रिमेंबर कार्गो जो आपने उतारना है वो कंटेनर है, जनरल कार्गो नहीं है। कंटेनर्स उतारने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड बार्जेस चाहिए, आपको स्पेशलाइज्ड एग्रीमेंट चाहिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू कॉस्ट अलॉट, सो वट एफर्ट्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन। एफर्ट्स जो भी गोइंग ऑन है उनमें ये कि अगले और पिछले हिस्से को खोद के और जहाज को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर आप इन फोटोज़ के ऊपर गौर करें तो यार इतना भारी जहाज और इतना बड़ा जहाज, उसके अंदर से मिट्टी आप कैसे खोद के निकालेंगे? इट माइट सीम पॉसिबल बट मेरा नहीं ख्याल के मुमकिन हो पाएगा। दे नीड सम पावरफुल टग्स टू पुल दी वेसल आउट, क्योंकि बहरहाल सैंड पे, इट्स नॉट दी हार्ड मड और नॉट द रॉक्स और नॉट द शेल्स, सो आई थिंक स्टिल समथिंग कैन बी डन बाय पुलिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ सम पावरफुल टग्स और समथिंग। नाउ इन दिस केस व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, आई एम विटनेस टू एन एक्सीडेंट। मैंने लाइव तो उसको नहीं देखा था बट आई सॉ दी वीडीआर रिकॉर्डिंग, that is voice data recorder recording. उस जहाज के केस में क्या हुआ था कि वो जहाज तो टेढ़ा हो के बैंक के ऊपर चढ़ाई और पीछे से आकर फिर धमाधम उसको दो जहाजों ने और मारा, पहले एक जहाज लगा फिर उसके बाद दूसरा जहाज लगा। इस केस में थैंकफुली कोई ऐसी बात तो नहीं हुई एंड द वेसल रिमेन्ड सेफ और पिछले जहाज़ों ने भी टाइमली अपना एंकर बैंक गिरा दिया या जहाज स्टॉप ड्रॉप कर लिया। लेकिन बहरहाल इसकी इंप्लीकेशन अब ये हो रही है कि नॉर्दर्न चैनल और सदर्न चैनल दोनों के अंदर जहाज फंसे हुए हैं, जिन्होंने नॉर्थ ट्रांजिट करना था वो भी फंसे हुए हैं, जिन्होंने साउथ ट्रांजिट करना था वो भी फंसे हुए हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली वेटिंग कि ये स्विस कैनाल खुले, ये जहाज यहाँ से निकले ताकि वो भी नॉर्थ और साउथ जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो जहाज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जहाज़ घूम के और अफ्रीका के पास से क्यों नहीं आ जाते? बड़ा लंबा फासला है, पहली बात बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, दूसरी बात इट्स मनी एंड इट्स टाइम, इट्स बोथ ऑफ देम एक्चुअली। नाउ कमिंग बैक टू वन मोर क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन द बिगिनिंग, कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। स्विस कैनाल के अंदर कई मरतबा जहाज ग्राउंड हो चुके हैं और कई मरतबा ग्राउंड होते होते बचे हैं, कई मरतबा एक दूसरे के अंदर आके लगे हैं, बट बेसिकली दे वर लकी इनफ इन वन आस्पेक्ट, और वो एक आस्पेक्ट ये था कि ये जो जगह स्विस कैनाल की जो तकरीबन सबसे तंग है, यहाँ पर भी ख्याल में वो जहाज ज़्यादा के नहीं चढ़े। ग्रेट बिटर लेक, स्मॉल बिटर लेक, एंट्रेंस, नॉर्दर्न, सदर्न, वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए, एक दो टर्न्स के ऊपर एक्सीडेंट्स हुए, बट जो टर्न्स वगैरह थे वहाँ पे ऑलरेडी स्विस कैनाल की चढ़ाई ज़्यादा है, मूरिंग बोट जहाज के ऊपर ऑलरेडी होती है। मेरी स्विस कैनाल वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था मूरिंग बोट होती है, तो मूरिंग बोट का काम ही यही है कि खुदा ना खास्ता आपके जहाज के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो पूरी स्विस कैनाल के अंदर और एटलीस्ट इन द मैक्सिमम ऑफ स्विस कैनाल आपके बिल्कुल साइड के ऊपर पियर्स बने हुए, उन पियर्स का बेसिकली काम यही है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मूरिंग बोट उतारी जाए, मूरिंग बोट आपके जहाज को पकड़े और ले जाके पियर से बांध दे ताकि आपकी स्टार्बर्ड साइड के ऊपर स्विस कैनाल खाली रहे जहाँ पे आपका चैनल जो है वो क्लियर रहे। लेकिन इस केस में जहाज़ फंसा इस तरीके से है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, जहाज़ पूरी तरीके से फंसा है। लेकिन क्या कभी इस तरीके से किसी जहाज ने स्विस कैनाल को ब्लॉक किया है? यस, दैट ऑल्सो हैपन्ड, बट अगेन द शिप्स वर अ लिटिल बिट मैनेजेबल और उनको टक्स की मदद से खींच के निकाला गया और उसके बाद उनको साइड पे करके बाकी जहाज़ों को गुजारा गया। सो यस, दिस हैज़ बीन हैपनिंग एंड प्रॉबेबली इट विल कीप ऑन हैपनिंग, बिकॉज यू नो व्हाट द फैक्ट इज कि स्विस कैनाल एक सदी से इसी तरीके से बहती हुई आ रही है, बल्कि सदी से भी ज़्यादा अरसा हो गया इसको यार। अभी इन्होंने दूसरा चैनल बनाया जरूर है कि डबल ट्रैफिक चल सके, कुछ जगहों पे स्विस कैनाल को खुला जरूर किया गया है, बट आई थिंक कि अब स्विस कैनाल को थोड़ा सा चौड़ा करने की जरूरत है यार, जहाज बड़े होते जा रहे हैं। तो स्विस कैनाल इतनी चौड़ी भी नहीं है यहाँ पे कि खुदा ना खासा अगर हब विंड आपके जहाज को ब्लो ऑफ कर दे तो आपका जहाज घूम के ही निकल जाए किसी भी तरीके से, आपका जहाज अगर यूं टेढ़ा हो गया तो स्विस कैनाल ब्लॉक। मैंने अपनी खुद स्विस कैनाल वाली वीडियो में आपको बताया था कि खुदा ना खासा अगर हमारे जहाज के साथ ये हो जाए तो हमारा जहाज ब्लॉक कर देगा, ये तो फिर हमारे जहाज से बड़ा जहाज था। दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, और इसकी वजह से थोड़ा सा स्टर भी पैदा हुआ है क्योंकि बेसिकली ये पहला काफी अर्से बाद एक ऐसा एक्सीडेंट सामने आया है कि जिसमें स्विस कैनाल एक शायद लंबे अरसे तक ब्लॉक रहेगी, एटलीस्ट फॉर अ वीक और सो, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जितनी जल्दी एक्सकेवेट किया जा सके, वहाँ से खोद के सैंड वगैरह को हटाया जाए ताकि जहाज को सीधा किया जाए और फिर गुजारा जाए आगे। सो विद ऑल द प्रेयर्स फॉर दिस वेसल और इस दुआओं के साथ कि ये जहाज बखैर व आफियत स्विस कैनाल से निकल आए और बाकी जहाज भी अपना नॉर्दर्न और सदर्न रूट को रिज्यूम करें, आई रियली होप दैट ऑल गोज वेल फॉर देम। दिस इज प्रीटी मच द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इसने आपकी इन्फॉर्मेशन में किसी भी किस्म का इजाफा किया हो, आपकी मालूमात में किसी भी किस्म का इजाफा किया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली,
दिस इज मी ज़ाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं और इन शॉर्ट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।